6,24,00,000 से निर्मित मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मधुपुर प्रखंड चोंगाखार मुख्य पथ से दुधानी भौराटार होकर अस्ता तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण नगर विकास एवं आवास विभाग पर्यटन कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने बुधवार को दुधानी पुल के समीप फीता काटकर शिलान्यास किया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि इस सड़क की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। इस सड़क के निर्माण से सैकड़ों गाँव शहर से जुड़ सकेंगे और लोगों का आवागमन में भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार बिना किसी भेदभाव पक्षपात रहित जनता के हित में कार्य कर रही है। जिनकी जो समस्या है उसे दूर करने को लेकर सरकार कटिबद्ध है। और 25-30 करोड़ आप ही का क्षेत्र में अभी जो हम लोग आते हैं पनाकोला तरफ से पूरा दुर्ग हो गए जो खराब हो गया थे पुलिस चार में जुटे और वहां से उचले तो योजना 21 वर्ष से 50 वर्ष के महिलाओं के लिए हम लोग बहुत सोच समझ करके ये योजना लागू हम लोग कराए थे क्योंकि हम लोग देखते हैं किस परिवार का जो सदस्य कमाने जाते हैं 300-400-500 रुपया कमा के लाते हैं उसी में 100-200 रुपया खर्चा के लिए अपना परिवार को देते हैं और अपना खर्च के लिए जो वो बच्चों का पेट काट करके अपना पेट काट करके उसमें 10-20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया बचा करके वो जमा करती है चुकड़ी में, उसको चुकड़ी में जमा नहीं करके अगर 1,000 रुपया करके हम महीना देते हैं तो एक इमरजेंसी में वो काम आ जाएगा। अभी मेरे पास एक विकलांग भाई आए, मेरे पास 6 विकलांग भाई लोग कैबिनेट के ठीक सुबह में आए मेरे पास कि हम लोग को 1,000 देता है उसको 2,500 करा दीजिए 3,000 करा दीजिए। संयोग उसी दिन कैबिनेट था, कैबिनेट में हम बात उठाए, हेमंत बाबू को बोले कि भैया देखिए सबको दे रहे हैं लेकिन आज मेरे पास पहली बार 6 विकलांग भाई आए थे सबको बढ़ा दिए। बोले कितना कर देंगे, बोले 3,000 कर देंगे, बोला नहीं 2,500 कर दें, 2,500 आप लोग और भी अभी योजनाएं जैसे गुरुजन क्रेडिट कार्ड है, बच्चियों के पढ़ने का है, केसीसी लोन भी आपको हम लोग 2,00,000 तक माफ करवाए हैं और जो बुनियादी सुविधा है उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं दिन रात। अभी आप देखते कि मेरे पास लिस्ट, अभी हम अपना पीएस को फिर रोड पास कराने के लिए जो भी बाकी है जिसका तक पहुंचा हुआ है उसको मैं करा रहा हूँ। बस आपका आशीर्वाद दुआ प्यार चाहिए कि मधुपुर को मैं एक अच्छा मधुपुर बनाए जो लोग देखने आए। आज भी लोग बोलते कि तो कहाँ से था कमा ले जाए गिर ले चलिए हम ठेकेदारी पे नहीं करें, हम जाने पैसा कहाँ से गिर वह पैसा हम लगा रहे जाए। इसके बाद मानते भी सब सबसे मेरा सही ताल्लुक है और एक लगाव भी रहता है, सबका संबंध रहता है। हेमंत बाबू भी मुझे बहुत लाड प्यार देते हैं, बहुत जिम्मेवारी भी दिए हैं। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से मुझे पहले 5 विभाग का भी 2 बड़ा विभाग हमको किया तो दिन रात हम खटते, बस बगैर आपका हम ये आगे नहीं खट सकेंगे। 2 महीना बाद आपका जरूरत है, खाली भोट दवा देने और थोड़ी फोटो दिए दवा तो चाहिए, दवा तो बगैर दवा से हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम इतना जल्दी इतना काम किए हैं तो कहीं ना कहीं हम पर तो अल्लाह मेहरबान है तभी हम इतना कर सके, उनके बगैर तो कुछ नहीं हो सक रहा। इसके बाद भी कर्म तो करना, कार्य तो करना। आज नमाज अगर कोई बैठले बैठले पढ़ेगा उसका अरे वो उठ बैठ के पढ़ेगा, उसमें फर्क है नहीं।
हवा में कम बेसी है, तो कार्य तो हम लोग को करना पड़ेगा। और कहीं भी ये अभी बीजेपी वाले आएंगे हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन भी आप मेरे पास बता दीजिए कि किसी के साथ में पक्षपात किया, मैं उसको किया, चाहे आवास हो, चाहे अपू आवास हो, चाहे पेंशन हो, चाहे और जो भी। और हमारी सरकार ने भी उस फोन को खत्म कर दिया कि कोई जाति धर्म का नहीं, जो भी 21 साल से 50 साल का है, जिसका बीपीएल में नाम है, पति पिता या किसी का नाम है, उसको हो। पहले था कि खाली सपोर्ट को देंगे, एससी देंगे, एससी देंगे, ऐसा किया गया, कितना मरेगा तब देंगे। ये बगल में है महिला कॉलेज, अभी आईटीआई कॉलेज, आपको हम करो में खोलने जा रहे, बन के तैयार है, दो छोटी मोटी कॉलेज, एक मार्गो मुंडा में, करो में देने हम जा रहे, पीडब्ल्यूडी रोड तो खत्म हो गया। अब आरियो को हम पीडब्ल्यूडी बना करके उसको पास करवा रहे, और अभी 30 रोड है जो इस महीना के अंदर वो पास हो जाए, 30 रोड। और इसके बाद रोज का समस्या गली कूची में रहेगा, जो मेन रोड चलने वाला रोड का दिक्कत आप आपको नजर नहीं आएगा। ये इलाके में आप नजर निकालने देखिए, अगर वैसा कहीं है तो हमको बोलिए, उसमें भी हम देखेंगे।